हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और हेलो आप सभी लोगों को। आज के इस एपिसोड में भाइयों हम लोग बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की डेथ और ऑनगोइंग केस इन्वेस्टिगेशन के बारे में। सबसे पहले तो माफी चाहता हूं आप सभी लोगों से। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई तो उसके बाद एक वीडियो मैंने बनाया, वो वीडियो मैंने बनाया सुशांत सिंह राजपूत की डेथ और जो कनेक्टेड सुइसाइड कॉज बताया जा रहा था मीडिया में उसको लेकर के। और मैंने एक वीडियो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, खास करके डिप्रेस्ड ग्रुप्स, बच्चों को और उन सभी लोगों को जो शायद इस किस्म की फीलिंग कहीं रख रहे हों, उनके लिए मैंने एक पॉजिटिव मैसेज वाला वीडियो बनाया, जिसमें मैंने कहा कि भाई क्यों सुइसाइड वगैरह नहीं करना चाहिए और कितनी भी स्थिति खराब क्यों ना हो आपको अपनी खुद की जान कभी नहीं लेनी चाहिए। वो दिन था और उसके बाद अब देखिए 1.5 महीना बीत गया है, मैंने सुशांत सिंह राजपूत पे ना कोई वीडियो बनाई है और इनफैक्ट ये मैटर, इनकी डेथ का रिलेटेड केस इन्वेस्टिगेशन हर दिन जो है सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी एक्टिव है। बहुत लोग तो इनकी केस को लेकर के अपना पूरा यूट्यूब पे दुकान चला रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया और मैं बताना चाहता हूं आपको कि भले ही ये बड़ा वायरल टॉपिक था और ट्रेंडिंग टॉपिक था, मैंने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया, मैंने जान के ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अब इस देश में देखिए सुइसाइड बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। लॉकडाउन के दौरान रिपोर्टेड है 800+ हमारे गरीब मजदूर मर गए। तो मैं उनमें से हूं जो मानता है कि हर लाइफ मैटर करती है और एक किसी पर्टिकुलर, कभी फिल्म स्टार हो गया, क्रिकेटर हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, इनकी लाइफ को हमें ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए जैसे मीडिया आम तौर पे देती है और दुनिया आम तौर पे देती है। तो मैंने इसी कारण से कैटेगोरिकली इनके इस ट्रेंडिंग टॉपिक को अवॉइड किया अभी तक। लेकिन देखिए अब ऐसा है कि क्योंकि इनका केस एक नया मोड़ अब ले रहा है एंड काफी अब ऑब्वियस हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ है उसको सुशांत सिंह राजपूत सुइसाइड नहीं कहा जा सकता है पॉजिटिवली। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ क्या एक मर्डर है, कॉन्स्पिरेसी है, सुइसाइड है, इसमें बहुत पहलू हैं और केस डेली जो है बहुत पेचीदा होते जा रहा है। इसी कारण से मैंने कहा आज मैं ये प्रेजेंट वीडियो बनाऊं, आप लोगों से अपनी व्यूज और थॉट्स शेयर करूं। तो पहले तो जो लेटेस्ट न्यूज है वो शेयर करना चाहता हूँ इसी में रिलेटेड, कि देखिए विकास सिंह साहब हैं, मेरे जानने वाले हैं, मेरे सीनियर कलीग हैं, जो कि एडवोकेट हैं। ही इज अ सीनियर एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट। वो एडवोकेट हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के फैमिली के। तो लेटेस्ट अभी आधे घंटे पुरानी खबर है कि क्योंकि बिहार पुलिस को के काम में मुंबई पुलिस अड़ंगा लगा रही है, जो ऑब्वियस है। मतलब मैं छोटा सा बस एक एग्जाम्पल दूंगा कि देखिए ये क्वारंटीन में, ये जो क्वारंटीन लगाना होता है 14 डेज का, ये क्वारंटीन पुलिस वालों पे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे, सीबीआई पे, लॉयर्स जो कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट जा रहे हैं काम पे, उन पे नहीं लगता है। वो डॉक्टर्स पे नहीं लगता है। अगर आप ऐसे क्वारंटीन लगाने लगे तो फिर तो पूरी मशीनरी बैठ जाएगी, एसेंशियल सर्विसेज वाले कैसे काम करेंगे। तो ये अनहर्ड ऑफ है और इससे क्लियरली दिखता है कि मुंबई पुलिस को कुछ है छुपाने का काफी, जिस कारण से वो नहीं चाहते हैं कि बिहार पुलिस इसमें जल्द ही पहुंचे और जो एविडेंस शायद मुंबई पुलिस कल खराब करने वाली हो उस पे उनका हाथ पहुंच जाए। तो अभी अभी ही आधे घंटे पहले विकास सिंह जी का मीडिया में इंटरव्यू आया है, जिसमें उन्होंने बड़े क्लियरली कहा है कि क्योंकि मुंबई पुलिस अड़ंगा लगा रही है, क्लियर है, बिहार पुलिस के काम में, तो अब ज्यादा चॉइस नहीं है उनकी फैमिली के पास। और ऑलरेडी उनकी फैमिली को आश्वासन है नीतीश कुमार जी से, नीतीश कुमार जी से दे हैव बीन टॉकिंग डन।
तो बड़ा क्लियर है इन मामले में। अगर चीफ मिनिस्टर चाहे तो चीफ मिनिस्टर रेकमेंड कर सकता है, और नीतीश बाबू एट दी एंड ऑफ द डे जेडीयू और बिहार में बीजेपी का अलायंस है, तो इज एन अलायंस पार्टनर विद दी बीजेपी। तो नीतीश बाबू कह देंगे तो ये सीबीआई को मामला ट्रांसफर हो जाएगा, और जैसे ही सीबीआई को ट्रांसफर होगा तो मुंबई पुलिस का ये जितना नौटंकी चल रहा है 1.5 महीने से, द वे दे हैव बीन बिहेविंग एंड वॉचिंग अप दिस केस इन्वेस्टिगेशन, वो सब खत्म हो जाएगा। तो अभी विकास सिंह जी का यही इंटरव्यू आया है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि अब उनके पास चॉइस नहीं है, उनकी फैमिली अप्रोच करेगी नीतीश जी को एक बार फिर से फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। और नीतीश बाबू ने ऑलरेडी उनको आश्वासन दिया हुआ है कि जब भी फैमिली कहेगी, अप्रोच करेगी कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए किया जाए, तो वो रिकमेंड कर देंगे और सेंट्रल मिनिस्ट्री इसमें अलाउ कर देगी। आई डोंट सी एनी डिफिकल्टी, बिकॉज नीतीश बाबू बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट अमित शाह जी एंड होम मिनिस्ट्री, ये तो गिवन है, 24 घंटे नहीं लगेंगे सीबीआई इसमें होने में, तो हो जाएगा। ये कहते हुए ये जरूर कहना चाहूंगा कि शायद कोई बीच में कोई पार्टी या कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करके शायद कोई सुप्रीम कोर्ट जरूर गया था इसमें सीबीआई मांग कर दे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी वो पीआईएल, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेट बॉम्बे पुलिस डू देयर वर्क। लेकिन ऑफ कोर्स अगर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे इंटरवीन कर देती है नीतीश जी के कहने पे, तो ये सब चीजें बाईपास हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा हक है, तो वो हो जाएगा। और जिस हिसाब से ये केस अनफोल्ड कर रहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन अनफोल्ड कर रही है, जो जो चीजें हो रही हैं, और जो लेटेस्ट जैसे मैंने कहा 14 दिन का क्वारंटीन कर दिया बिहार से जो इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आए थे, और जो कि लेट मी टेल यू इज एन आईपीएस, वो कोई प्रमोटी ऑफिसर नहीं है, आईपीएस है भाई, अच्छा विनय तिवारी जो अफसर गया है बिहार से बॉम्बे इस मैटर को देखने, इज एन आईपीएस, आईपीएस है 2014 बैच का या क्या। तो ये बड़ा दुखद है, आई मीन दिस इज नॉनसेंस। और हर स्टेट बिटवीन टू स्टेट्स पुलिस में कोऑर्डिनेशन होती है, कमराडरी होती है, इस तरीके से मुंबई पुलिस करेगी तो और शक फिर बढ़ता है कि क्या छुपा रही है, किसके कहने पे छुपा रही है। ठीक है, तो ये रही बात विकास सिंह और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और फैमिली और नीतीश कुमार जी की। मैंने कहा मैं रख दूं ये बात शेयर कर दूं, आगे बढ़ता हूं। देखिए अब शुरू में जब ये केस आया तो सबने सुशांत सिंह, द हैशटैग वाज सुशांत सिंह सुइसाइड केस, लेकिन अब देखिए बहुत सारा पिछले 1.5 महीने में अ लॉट ऑफ वॉटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज। बात करते हैं क्या क्या। देखिए पहला, सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को सवेरे पाए जाते हैं फांसी पे हैंगिंग, सेम दिन रात में 11:30 से 1 बजे के बीच में इनका पोस्टमार्टम होता है। अभी उनकी फैमिली भी नहीं वहां पहुंची थी, पोस्टमार्टम हो जाता है। पोस्टमार्टम होने के लिए एक फैमिली मेंबर का या इमीडिएट फ्रेंड या रिलेटिव का सिग्नेचर जरूरी है, तो जिसने साइन किया वो कोई दोस्त है, कोई फैमिली मेंबर नहीं है। बड़ा स्ट्रेंज बात लगी। पोस्टमार्टम जल्दी जल्दी हो जाता है, अगले दिन तक मीडिया में खबर भी आ जाती है कि हाँ भाई बाय हैंगिंग हुई है, नो फाउल प्ले हो क्या क्या। अब उसके बाद फोटोज आ रही हैं जिसमें दिख रहा है कि उनको स्वेलिंग है, हेड पे यहां स्वेलिंग है, आई के नीचे यहां स्वेलिंग है, मार्क्स है जैसे कि पीटा गया है। तो ये सब कहां से आया, ये सवाल है जिनका जवाब देना पड़ेगा उन डॉक्टर्स की टीम को। क्या वो डॉक्टर्स की टीम ने फेयरली ईमानदारी से काम किया है जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, आई हाईली डाउट इट। और पॉसिबल है, देखिए इस देश में सब पॉसिबल है, अगर आप कुछ फाउल प्ले हुआ है, किसी को छुपाना चाहते हैं, किसी का नाम छुपाना चाहते हैं, कोई बड़ा आदमी है, और मैं आऊंगा इस वीडियो के अंत तक, ये तो हो सकता है, इट कांट बी रूल्ड आउट, फाउल प्ले कांट बी रूल्ड आउट। नेक्स्ट, अब खबर आ रही है कि 14 को डेथ हुई है, उसी के एक रात पहले पार्टी हो रही थी बहुत बड़ी, और अब खबर आ रही है उस पार्टी में एक बहुत बड़ी फाइट हुई है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के और किसी और के साथ, बहुत बड़ी फाइट हुई है। फिर जिस दिन पार्टी हुई और अगले दिन सुशांत मारे गए, उसी के एक दिन पहले माने 24 घंटे से 48 घंटे पहले जो सीसीटीवी कैमरा जो कहते हैं वर्क करते थे पहले, वो उड़ गए, वर्क करना उन्होंने बंद कर दिया। ये सोचिए ये कैसे हो गया।
फिर जो पूरा ये हैंगिंग का जो पूरा थ्योरी दिया गया इनिशियली कि डेथ बाय हैंगिंग वो फांसी में, उसके बाद जो मार्क आया और किस तरीके से मार्क आया वो फॉरगेट ऑफ एक्सपर्ट्स इवन कॉमन मैन आर मेकिंग अ वेरी रीजनेबल डिडक्शन इन कंक्लूजन कि यार ये मार्क और फांसी ये मेल नहीं खा रहा, दिस सीम्स लाइक घोटने का केस कि किसी को उसको मार के जो है बस लगाया गया चढ़ाया गया है कि लगे कि शायद फांसी हो और शायद उसको मार पहले दिया गया, जिसमें लोग कह रहे हैं कि ऐसे कैसे मार का आया, अगर फंसा होता तो यहां से आता वहां से आता, बहुत सारा इस पे बहुत कंटेंट है, वीडियोस भी बनी है, देखिएगा आप लोग। कांट बी रूल्ड आउट, मैं नहीं कह रहा हूं ये सही है या वो गलत है, मैं कह रहा हूं कांट बी रूल्ड आउट, दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज। अच्छा, फिर वो जो गर्लफ्रेंड का एंगल आ गया, वो रिया चक्रवर्ती जो है जो अभी हाल ही में वीडियो बनाई है बिना लिपस्टिक बिना मेकअप के, पहचानी में नहीं आ रही है, तो उसपे अब मेम्स बनवाए हैं कि बिफोर क्रेडिट कार्ड ऐसी लगती थी, आफ्टर बॉयफ्रेंड्स क्रेडिट कार्ड ऐसी लगने लगी है, जो भी है ये सब देखिए कैरेक्टर असैसिनेशन या किसी पे ऐसे लालचन लगाना सही नहीं है। कोई कह रहा है बंगाली है, कोई कह रहा है चुड़ैल है, कोई कह रहा है वो ब्लैक मैजिक करती है, ये सब बेतुकी की बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन जरूर खबर ये आ रही है कि देयर इज अ केस ऑफ 15 करोड़ रुपीज साइफंड फ्रॉम सिद्धार्थ राज ये इसके सुशांत राजपूत के अकाउंट से और रिया चक्रवर्ती ने निकाले हैं। अगर ये है तो इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेट इट बी इन्वेस्टिगेटेड, क्योंकि बड़ी बात है। फिर खबरें आ रही हैं कि साइकोलॉजिस्ट कह रहा है कि ये प्रॉब्लम्स थी, फिर खबरें आ रही है कि एक विटनेस है वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो बताया था कि ये ब्लैकमेल कर रही थी इनको, फिर भट्ट की बात आ रही है ना कि भट्ट का क्या रोल था इसमें, महेश भट्ट जो है वो जिसको देखते हैं वो दूरी से किसी को देखते हैं बता देते हैं कि ये मेंटली अनस्टेबल है कि स्टेबल है, हाँ तो इसमें तो परहैप्स ही नहीं इलाज, उनको भी थोड़े इलाज की जरूरत है, हाँ ऐसे कैसे वो बोलने लगते हैं जिसको भी देखे। फिर इसमें वो करण जौहर वाले कैंप की बात आ रही है, नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म की बात आ रही है कि कैसे 8 पिक्चरें छीन ली उससे, तो वो तो नहीं है, हाँ तो फिर वो एलिबाई दे के कहा जा रहा है कि देखो इसी कारण से डिप्रेस हो गया होगा, सूर्य पे चढ़ा लिया, लेकिन बाकी जो स्टोरीज आ रही है दे आर नॉट एडिंग अप, हाँ दीज आर इश्यूज। अच्छा, अब मुंबई पुलिस 1.5 महीने से बस सबको ही बस वो सुसाइड वाला एंगल और वही कर लिया, तो अब जो है फिर पता चले वो SMS निकल रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस निकल रहे हैं, फैमिली ने सुशांत सिंह राजपूत ने कहा था उसकी जान को खतरा है, क्यों वो बदल बदल के सिम कार्ड्स 4 डेज बिफोर डाइंग उसने बड़े सारे सिम कार्ड अलग अलग यूज किए, क्यों ऐसा क्यों कोई एक्टर करेगा भाई, सक्सेसफुल एक्टर है दैट, उसको क्या डर था कि वो नंबर बदल बदल के कर रहा है, कोई वो भगोड़ा नहीं है, कोई वो वांटेड नहीं है, अब सॉन्डर नहीं है तो क्यों ऐसे कर रहा है। अच्छा, फिर अब फैमिली बता रही है कि उन्होंने जो है मुंबई की पुलिस को कहा था कि इसकी जान को खतरा है आप बचाइए, मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो क्यों नहीं किया और जान को क्या खतरा था। फिर वो पूरा साइकोलॉजी वाला एंगल कि एक साइकियाट्रिस्ट कर दिया और गोली खिलाना शुरू कर दिया रिया चक्रवर्ती ने, तो क्यों भाई ये सब क्या हो रहा था। तो कहने का मतलब ये जितनी बातें मैंने अभी लिस्ट कराई, यही नहीं इसके अलावा 50 और बातें हैं जो अब आ रही हैं। अगर इतनी सारी बातें आ रही हैं तो मैं बस इतना कहूंगा कि ऑब्वियस है दिस इज नॉट एन ओपन एंड शट केस ऑफ सुसाइड, there is a lot more to it than what meets the eye, जिसको कहते हैं ना there is a gap between the cup and the lip, तो यहां तो वो gap जो है वो kilometers long है, मैं यही कहूंगा। and ये सब देखते हुए it is obvious that it is a matter of investigation, और अगर 1.5 महीने से मुंबई पुलिस इसमें investigation एक तरीके से कर रही है और ये सारी चीजें देखी जा रही है कि नहीं ठीक से देखा जा रहा है, तो ऑब्वियस है भाई लड़के को जिस जो डिसीज्ड है जिस जो डेथ हुई है जिसकी सुशांत सिंह राजपूत, उसके पेरेंट्स को उसकी फैमिली को हक है टू गेट हिम जस्टिस, तो वो फैमिली बिहार में रहती है, उन्होंने बिहार पुलिस के साथ केस रजिस्टर किया, नीतीश जी से बात करी, बिहार पुलिस तुरंत हरकत में आई अपना काम करने गई। अब जब वो काम करने गई तो वहां मुंबई पुलिस उनको काम नहीं करने दे रही, इससे और संदेह जगता है कि बहुत इसमें बहुत कुछ है जो छुपाया जा रहा है। अब मैं लेटेस्ट पे आ जाता हूं, 2 दिन पुरानी खबर है, 2 दिन से नई लेटेस्ट जो बात आ रही है, आदित्य ठाकरे जी जो कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी के लड़के हैं, उनका अब नाम आ रहा है इस केस में लेकर, क्यों आ रहा है, कैसे जुड़े हैं वगैरह वगैरह,
ये सब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन नाम आ रहा है। कहते हैं कि जो पार्टी हुई थी नाइट बिफोर वाली, सुशांत सिंह राजपूत जिसमें अटेंड करी थी, उसमें आदित्य ठाकरे भी थे। और फिर बात आ रही है एक फाइट हुई थी, अब वो फाइट किसके बीच हुई थी? सुशांत सिंह राजपूत फाइट में थे, दूसरी तरफ कौन थे? हाँ, मुझे नहीं पता। इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या आदित्य ठाकरे से कुछ अनबन हो गई थी? मुझे नहीं पता, मैं स्पेकुलेट नहीं कर रहा, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अगर एक इतने बड़े आदमी का, जो सीएम ऑफ द स्टेट है, उसके लड़के का अगर नाम आता है, वो पार्टी अटेंड कर रहा था, तो द फर्स्ट थिंग दैट रिंग्स द बेल इज कि अगर ऐसी बात है तो लेट हिम बी क्वेश्चन्ड। डिड मुंबई पुलिस इमीडिएटली कॉल हिम फॉर क्वेश्चनिंग? हैव दे टूडे कॉल्ड हिम फॉर क्वेश्चनिंग? आंसर इज आई डोंट थिंक सो। मैं कह रहा हूं अगर नाम आया तो बड़ी बेसिक सी चीज है। मैं अगर ये केस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं या मुंबई पुलिस का मैं कमिश्नर हूं, तो मैं तुरंत कहूंगा, मैं एक फोन घुमाऊंगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, कहूंगा भाई आदित्य ठाकरे को जरा समन करो, बुलाओ 8 घंटे, जरा उससे सवाल जवाब करो। क्यों नहीं? बड़ी बेसिक चीज है ना भाई। लॉ तो सबके लिए इक्वल है। आदित्य ठाकरे हूं, चाहे मैं कहता हूं कि उस पार्टी में उद्धव ठाकरे होते, मैं तो अगर मुंबई पुलिस कमिश्नर होता, उद्धव ठाकरे को समन करता, कहता आइए जरा सीएम साहब कैसे हैं, ठीक है, आइए जरा सवाल जवाब करना है आपसे, है ना। बड़ी बेसिक चीज है भाई, नो वन इज अबव द लॉ। उद्धव ठाकरे हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, नो वन इज अबव द लॉ। अगर वे पार्टी अटेंड की होती है सुशांत सिंह राजपूत ने एक नाइट बिफोर जिसमें मोदी जी होते, मैं तो मोदी जी को सवाल के लिए बुलाता, है ना। तो ये बड़ी बेसिक चीज है। तो ये सब देखते हुए आई थिंक जो लेटेस्ट जिससे मैंने शुरुआत करी कि विकास सिंह कह रहे हैं कि अब इसको सीबीआई जांच करे, मेरा भी मानना है इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे इतने सवाल उठ रहे हैं इस पूरे केस को लेकर के, तो आज एक चीज तो पक्का है कि अब दिस केस कैन नॉट बी कॉल्ड #सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस। दिस केस हैज टू नाउ बी कॉल्ड #सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस। एंड डेथ का क्या कॉज है, इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और जो इनिशियल जो जल्दी जल्दी हड़बड़ी में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई है वो डॉक्टर्स से, आई बिलीव उन सभी डॉक्टर्स जिन्होंने, वो 6-7 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने सिग्नेचर किया है, उन सबको इंटरोगेट करने की जरूरत है, तो सच वहां से निकलेगा। और उसमें लिखा है कि रिस्कारा स्टिल देयर, अगर जरूरत पड़े तो आई थिंक वो सब भी मैटर ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, चाहे पुलिस का हो, चाहे मेडिकल फ्रटर्निटी का हो। देखिए, अक्सर कहते हैं कि एक डेड बॉडी बहुत बोलती है, एक डेड बॉडी बहुत सारे राज छोड़ती है और बोलती है। और ये एक ऐसा केस है जहां पे सुशांत सिंह राजपूत तो अब नहीं रहे, लेकिन उनके केस को लेकर के जो सारे सरकमस्टांस है, उन्होंने बहुत सारे सवाल अब उठाए हैं, और हर दिन एक नए 2-4-8 सवाल नए उठते आ रहे हैं। ये सब एक निष्पक्ष जांच का मामला है, एंड इट इज ऑब्वियस कि मुंबई पुलिस कहीं पे कहीं ना कहीं इसमें काम ठीक नहीं कर रही है। और जब से ये बिहार पुलिस इन्वॉल्व हुई तो दिखता है कि बड़ा क्लियर है कि वो छुपा रहे हैं कुछ, इसीलिए बिहार पुलिस से वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। सो विद दैट सेड, इसमें कुछ बचता नहीं है अदर देन सीबीआई इंक्वायरी हो, और जो भी हो सुशांत सिंह राजपूत और उनकी फैमिली को इसमें जस्टिस जरूर मिलना चाहिए। और जो भी गिल्टी है, अगर मर्डर है, किसी ने मार के उनको टांगा है, तो जिसने, जो उसके पीछे है, उनको सजा होनी चाहिए। अगर सुइसाइड ही है तो फिर व्हाट लेड टू द सुइसाइड, कौन लोग पीछे थे, उन सबको अबिटमेंट टू सुइसाइड में उन लोगों को सजा होनी चाहिए, है ना। लेकिन हाँ, ये जरूर है कोई इसमें इनोसेंट है जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, उसको हरासमेंट से बचना चाहिए, सवाल जवाब जो होना चाहिए, लेकिन उसको हरास नहीं करना चाहिए। और जो गिल्टी है, जो गड़बड़ है, उससे सवाल जवाब सब होने चाहिए अच्छे से, और अगर गिल्टी है तो कानून उसको सजा दे। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। भाइयों, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग कितने सहमत हैं मेरे व्यूज से, मेरे थॉट से ऑन सुशांत सिंह राजपूत केस। आप क्या कहते हैं, आपको कुछ इसमें ऐड करना है तो नीचे कमेंट्स में जरूर ऐड करिएगा, मेरे से शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे अगर आज भी नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और ये आप जानते ही हैं, यहाँ पे हमारी संस्था FFAR इंडिया का पेटीएम नंबर आ रहा है। अगर आपको हमारा काम पसंद है, FFAR इंडिया की तरफ आप डोनेट करना चाहते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं, हमारी संस्था का, तो आप डोनेट कर सकते हैं।
इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो में एक और समय। नमस्कार आप लोगों को, जय हिंद और जय भारत।